ए आंब आंब एटा मीठा आंब सखाळ नै कि आसीची भलो आंब रहइब एटा खाइबा को भलो लागो मीठा में डास आस आस कता दे दी आंब एटा 20 टका ला कि किलो बाबू कुकड़ा जे आंब 15 देले हबो नि नै नै हबो न कते ए आंब 20 टका कि एटा कोला कोला हिची 15 ला कि दियो न नै बिने 15 देबे दियो नै 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 थाउ असुर तो कि आस 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 बाबा आस थोड़ा ला केजी किया पर दियो हेटी मा देखे सकाळ थारु बोइली से ना हेटी केजी टी आंबा का सरला जे सस्ता रे देई देली पुचकाई जी बोली नेले ना हेटी केजी टी आंबा का देले आज मोर कर्म रे काई के एटा थिला हेटे बे एटा पळई बे आ कोन करबे सरुनी आंब दीदी काली नेली आंब मार्केट रे नेली जे दीदी सेते सरला नाही तापरे कम पैसा रे के 10 टका 20 टका इंती मागले सस्ता रे देई देली पळे आइली आ केते धरी के आइली आ गार रे पड़ साड़ सा लोक को केते देई देली आ एले मा काली मार्केट को आंबो नै थिलो का कि सरलानी देखो दीदी काली आमे जो आंबो तुळली से आंबो एटी इंती प्रकार करी तुळली मार्केट रे नेली से आंबो सरला नै एटा देखुनो केते हे गला घरे आनली आ मोर सासु ससुर जाको थिले से मानको देई देली अधा अधा करे याडे मोर पिला माने 3-4टा याडे दि पैसा मेले सिना खाइबो न मेले कोन करबो आ तमे जोटा सिखैलो इंती तुळबा पई बोली कि एडा तुळली जे दि पैसा मेला सिंती करली मा कोन करबी एत अभाव घरे थिलाले दि पैसा मेल एले मा काल जो आंबो नै थिलो मार्केट रे कम पैसा रे बिकलो तमरो बिकि मा तमरो मा बेसी कम पैसा रे बिकलो आंबर मुहर कड़ा पड़ जाइला बोली कम पैसा रे बिकी की घर को फेरल हाँ माँ से आंब बिंती पूरा रंग पूरा कड़ा कड़ा है मुझे जो नी पूरा कड़ा पड़ हाँ तार उपाय अच्छे आम अलग पद्धति डाक से तार मुँह कड़ा नापी आम अलग उपाय करवा मुखेदेवी माँ आउ जो मुझे आंबर लसी के सुखेले आठ से आंबर मुहर कड़ा पड़े नहीं कह नी से मुझे देखेबी आउ चारा खुंटी पुथवाला इटे 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 चारा खुंटे पुथला पर ताऊपर जालटा बिंचाई देव बिंचाई देला पर काले जो आम आंब काट नथिले ढेपताई के ताकु नै के ओलटा करके रखिबो एमिति रखिबो साइज रे ताले से आंबर लसीटा सब पड़ जीव आउ आंब मध्ये भलो रहइबो ए मानकर आरे कळा पड़ीबो नि हां दीदी आमे जानि नथलु नै पर आउ दी पैसा भी मिलेबो मार्केट हो दीदी हमर पाखे त जालो नै आमे कीमति करिबा अच्छा मैं तुम पाखे जाल ना ताल आ गोटे उपाय अच्छे आम गोटे डकु आ गोटे चोरी नहीं कि आस मु उपाय देखेदेवि माँ शुण आईटा डुकु आनल आईटा चोरी धरिकी आसल डुकु को आम चोरी कणा करदे लगे इंती कणा करदे आंब पसला पर आंबर ढेपटा पसला पर कणा करदे आम डोकू को कणा कले एक थर आम आंब को रखा आंबर ढेप भितर पकईक रहीगला एथर आंबर लसीटा तल को खसीज देखु तो आंबर लसीटा किमती झरुच देख हाँ देखु पूरा से आंबर लसीटा पूरा तल को खसीज दीदी यहाँ एमती रखले केते घंटा एमती रखा को पड़ब माँ शुण एटा तुम पचार केते समय रखा रही आंब लसीटा खसीज बोल कि या को अध घंटा रखा पड़ो है अध घंटा रही आंबर से लसीटा संपूर्ण भाव तल को खसीज जोद्वारा आंब किसी नष्ट हेनी आम आंब को अध घंटा रखला साइज रा को काढ़े अध घंटा सब सुखी जाइना लसीटा खसिकी तल को पड़गला आंबर आ लसी नगे आग आम साइज रे काढ़ आक एतिक लंबा रखिक काटिद हेले दीदी एटा तमे कोई थी लो काटबा पे काटलो एबे एटा किंती क्वाड बिकबु ना ना कोन करबु ना एटा ना रुपाय आ कोन अछि ना मा माने सुन आरे आमे डक्करु आंब बाहर कला पोरे आको आमे बाल्टी पानी रे पकेया हैला धोइबा पे
ଆମେ ଏବେ ପାଣିରୁ ଆମ୍ବ କାଢ଼ିକି ଭଲରେ ଧୋଇବା ହେଲା। ଏ କଳା ଦାଗ ଯାକ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ଧୋଇଦେବା। ଏ କଳା ଦାଗ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଲ ଦିଶିବ, ମାର୍କେଟରେ ବି ଭଲ ସରିବ। ଆଉ ଶୁଣ, ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେବା ହେଲା। ପୁରା ଶୁଖେଇକି, ପାଣି ଶୁଖେଇକି ପୋଛିଦେବା। ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯଦି ଡଲା ଡୁକୁ ନହେଲେ ଝୁଡ଼ି ଆଣିଥାଉ ମାର୍କେଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ, ତା ଭିତରେ ପକେଇବା। ହଉ, ଆମେ ଆଗେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମର କେତେ ନୁକସାନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆଗେ ଜାଣିଥିଲୁ ହେଲେ ଆମର ଏତେ ନଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ଭଲ ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ଜାଣିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ମା। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ କାଲ୍କି ଠାରୁ, କାଲ୍କି ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଅଛି ସେଇଟା ନେବି, ସେଇଟା ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ବିକିଯିବି, ଯଦି ଲାଭ ହେଉଛି ବୋଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି ଲାଭ କି କ୍ଷତି। ବୋଲେ ଲାଭ ତ ହେବ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଶିଖେଇଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ, ଜାଣିଲୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ, ତା ଆମେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବୁ, ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଲାଭ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜଣେଇବୁ ଦିଦି, ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ, ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ହଉ ଜାଣନ୍ତୁ ଦିଦି, ଆମର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଆମେ କାମ ସରିକି ଆସୁ। ମା ଦେଖେ ସେ ଦିଦି କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇକି କହିଲା। ଆମେ ସେ ଗଲା ସପ୍ତାହ ମୋର ଆମ୍ବ ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଲା। କେତେ ବିକିବି, ଶସ୍ତାରେ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ କଣ କରିବି। ଏମିତି ବୁଝେଇଥିଲା ଆମେ କେତେ ଆଗରୁ, ଆମେ କେତେ ଲାଭ ଜାଣିଲ, ସେମିତି ଏକା ବିକିବା ହେଲା ନା। ହଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ବରେ କଳା ଦାଗ ନ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଜାଲ ବା ଡକୁରେ କଣା କରିବା, ସେଥିରେ ଆମ୍ବର ଡେମ୍ଫକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ କରି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଲସି ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା।